पैड क्यों लगाया इतना अनकंफर्टेबल है वैसे भी तो ब्लीडिंग हो नहीं रही आई ड्रादर टेक ऑफ माई पैड एंड बी कंफर्टेबल द मिनट आई टेक ऑफ माई पैड ना मेरे को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है आई नो इफ दिस इज समथिंग

मेरे को फिर से ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आई वेंट टू द वॉशरूम आई चेक एंड ये मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गई एंड ऐसा भी नहीं था कि स्पॉटिंग थी लाइक हैवी ब्लीडिंग थी उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई वॉज सो कॉन्फिडेंट दट मेरे पीरियड खत्म हो चुके हैं आई डिनट कैरी एनीथिंग नॉट इवन अ पैंट डिलइनर या एक पैड भी नहीं था उस टाइम पे आई आस्ट माई सिस्टर की दीदी अगर आपके पास पैड है तो मेरे को दे दो एंड उनके पास अनफॉर्चुनेटली पैड नहीं था बट शी हैड एंड उस टाइम पे मैं पैनिक सी हो रही थी ऑनस्टली मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे कपड़ों में स्टेन लगा हो अगर कभी भी कपड़ों में स्टेन लगाए तो घर पर ही रही होंगी बट कभी भी पब्लिक एरिया में मेरे कपड़ों में स्टेन नहीं लगाए मैं हूँ वहाँ पे स्टाफ वगैरह है एंड मेरे को ब्लीडिंग हो रही है मेरे कपड़ों में स्टेन लग जाएगा सो इट आई वुड बी वेरी वेरी एम्बेरेसिंग और आस पास शॉप भी नहीं है कि मैं जाके मैं पैड खरीद सकूँ सो आई टोल्ड हर की चलो मेरे को टेम्पोन दे दो एंड दीदी ने कहा इट्स वेरी इजी टू यूज अ टाउट्स की दीदी फील होगा दर्द होगा कुछ होगा की नहीं उन्हें कहा नहीं चला है कि कुछ भी फील नहीं होगा आराम से लगा वॉशरूम ठीक है अब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ टेम्पोन टचिंग अ टैम्पोन फीलिंग अ टैम्पोन दिस इज दर्स्ट टाइम आई एम इनसर्टिंग समथिंग इन टू माईक इसको ऐसे इमेजिन करो ठीक है तो बहुत छोटा वॉशरूम था बहुत ही छोटा एक इंसान भी बहुत मुश्किल से खड़ा हो सकता है एक बस एक टॉयलेट ही था वहाँ पे छोटी से कॉम्पैक्ट सी जगह में देर इज नो वेंटिलेशन एकदम छोटा सा सफोकेटेड सा वॉशरूम है एंड आई स्टार्ट फाइंडिंग कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है ठीक है आई स्टार्ट स्वेटिंग एक तो वो छोटा रूम है नो no वेंटिलेशन तो मेरी सांस फूलने लगी I was forcefully trying to insert that tampon. Um, I was in a max panic स्टेज मैं जबरदस्ती पुश करने की कोशिश करूँ एंड मुझे दर्द हो रहा है ठीक है लाइक लिटरली दर्द हो रहा है मैं अपना अंडरवेयर पहन रही हूँ ये बोल के कि आई कैन नॉट डू इट एनी मोर मैं अपनी बहन को आवाज लगाती हूँ एंड द मैं वॉशरूम में बेहोश मेरा जोर से सिंक पे सर लगता है मेरा क्लचर टूट गया है एंड मैं वहाँ पे नीचे पड़ी हुई हूँ फुल ब्लैक आउट नो आइडिया क्या हो रहा है मेरे को उल्टिया होनी शुरू हो गई उस टाइम पे इंडिया पीपल दे वेरी काइंड उन्होंने मेरे को बना के पिलाया एंड एंड आई आई फेल्ट बेटर देन स्टार्ट टेलिंग फ्रेंड्स क्लोज वंस यू नो मैंने टेम्पोन यूज करने को की कोशिश की एंड मैं फेंट हो गई एंड पीपल अराउंड मी सोर स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी टैम्पोन नहीं लगाया तो तू शादी के बाद क्या करेगी विल बी फिजिकल विद योर पार्टनर वट नॉट तू वहाँ पे भी बेहोश पड़ी रहेगी क्या स्टार्टिंग में, में इग्नोर किया some, so, कि तो दर्द ही नहीं होता है टेम्पो जब लगाते तो, तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है दिस एंडर हियरिंग दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में तो ये होगा ना कि दूसरे दूसरों को दर्द नहीं हो रहा है दूसरों को फील नहीं हो रहा है मुझे दर्द और मुझे फील हो रहा है ऑटोमेटिकली आई ओनली कि मैंने एक ही अटेम्प्ट किया है उसके बाद इतने साल हो गए अब जाके आई यूजिंग अ ऑन सो अभी रिसेंटली टू थ्री मंथस Uh, मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ पे मेरे घर पे आई वॉज मीटिंग हर आफ्टर अरे लॉन्ग टाइम एंड वो एक रेगुलर यूजर है टैम्पोन की एंड उस टाइम पे आई वॉज ऑन माई पीरियड्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इस बार अपनी फ्रेंड से जब शेयर किया था कि मेरे को घबराहट होती है एंड मुझे एक्चुअली में लिटरली फील होता है जब मैं टैम्पॉन यूज़ करती हूँ इफ़ यू फील कि वो टैम्पोन इंसर्ट हो रहा है वो फीलिंग आती है एंड बहुत सारे लोगों को आती है न अगेन दिस इज आफ्टर यू नो आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स ऑफ मी गेटिंग डिमोटिवेटेड कि मेरे बस की नहीं है मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है माई बॉडी इज नॉट गुड माई ब्रेन इज़ नॉट वेल अपने आप को पूरा हंड्रेड परसेंट ऊपर से जो मैंने अपने आप को जज किया था इस चीज़ के लिए आई वॉज वेरी अशियम ऑफ दिस कंडीशन सो देर टू टाइप ऑफ टैम्पोन्स एक तो आता है जो नॉर्मल टैम्पोन होता है सीधा कॉटन एंड उसमें आपको फिंगर अंदर इंसर्ट करनी पड़ती है विच इज सॉर्ट ऑफ स्टिल अ बिट क्रीपी फॉर मी बट दिस इज एन एप्लीकेटर जिसमें आपको सीधा एप्लीकेटर अंदर डालना है एंड जस्ट पुश द प्रोडक्ट इफ यू आर अ बिगनर इफ यू आर स्केर्यर ऑफ यूजिंग अ टेम्पॉन आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गेट अ टैम्पॉन लाइक दिस दिसना इट्स लाइक दिस आप अपने टेम्पन को एक एंगल पे पुश करोगे नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग जो ये सारे लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल फील नहीं होता बिल्कुल फील होता है ऑफकोर्स फील होगा ऑफकोर्स आप अपने मसल्स के अगेंस्ट कुछ पुश कर रहे हो तो फील तो होगा ही अंदर जाके फील नहीं होता वो दूसरी बात है येस yes, वो तो आई आया एपसिड्यूटी अंदर जाके कुछ फील नहीं होता बट इस एरिया में वैल यू आर पुशिंग बिल्कुल फील होता है हर कसा आपको पुश करना पड़ेगा अंदर की तरफ बट मेक श्योर यू हैव दैट एंगल एंड वंस इतना हाफ वे हो जाएगा आपका टेम्पोन और ऑटोमेटिकली ऐसे करके अंदर इंसर्ट हो जाएगा पुश योर टैम्पोन लाइक दैट पूरा का पूरा टैम्पोन निकल गया तो so, ऐसे करके खींच दो सिंपल सो so, आपका टैम्पोन अंदर रह गया आपका ये स्ट्रिंग बाहर लटका रहेगा एंड आपका एप्लीकेटर आपके हाथ में तो आता है सिंपल ऐसा विदाउट एप्लीकेटर तो इसमें आपको ऐसे अंदर घुसाओ पूरे अंदर उंगली अंदर डालो वालो सो पर्सनली फॉर मी आई डोंट फाइंड इट वेरी इजी बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव नेल या मेरे बहुत नेल्स के शार्प होते हैं सो आई डोंट वॉन्ट टू स्क्रैच माई सेल्फ वाइल्ड डूइंग दिस एंड प्रोसेस फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो हल्का बहुत आपको सेंसेशन होगा बिकॉज साइकोलॉजिकली आपका ध्यान नीचे की तरफ होगा कि अरे हमने अंदर कुछ लगा रखा है आफ्टर डूइंग दिस मैं आपको तीन चार चीजें रिकमेंड करूंगा एक तो बैठ कर देखो ठीक है फील करो कि आपको यू नो अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा कोई चीज चुप तो नहीं रही है ऐसा तो नहीं लग रहा टैम्पोन बाहर निकल रहा है तीसरी चीज स्क्वाट करो स्क्वाट करो चल कर देखो एंड uh, दो चार मिनट देखो कि कैसा लग रहा है चुभ रहा है तो डिस्पोज दिस यूज अनदर टेम्पॉन अब जब मैंने ये सब फर्स्ट टाइम यूज किया था वह मैंने इसको गलत अटैम्प करके लगाया था मैंने सोचा कि मैंने ठीक लगाया एंड मैं जब बाहर चली गई देन आई रियलाइज कि मेरे को चुभने लगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था देन एंड आई रिमूवड दिस वन एंड आई यूज अनदर टेम्पॉन एंड वो सेकेंड अटेम्प्ट वॉज कंप्लीटली सक्सेसफुल पारी आएगी जब आपका टैम्पोन फुल हो चुका है जब आपका टेम्पोन फुल होगा ना अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टैम्पोन फुल हो गया एंड यू हैव टू चेंज आपका टैम्पॉन ये पूरा से फूल जाएगा एंड इट विल स्टार्ट पुशिंग आपको फील हो जाएगा कि आपका टेम्पर ना आपको नीचे से पुश कर रहा है एंड देन यू हैव टू पुल अगेन नाउ बिकॉज अंदर है मसल्स फिर से वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं टाइट हो गई हैं आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा ये प्रोसेस फील होता है जब निकलता है ऐसा फिर से हो ही नहीं सकता कि फील नहीं होता जिनको होता नहीं है वेरी गुड बट इफ़ यू आर अ बिगनर लेट मी टेल यू फिर से जब आप इसको निकालोगे आपको फील होगा पुल 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 एंड देन फिर बहुत आराम से ही निकल जाएगा नाउ आई पर्स वोंट रिकमेंड यू टू यूज अ टैम्पोन रात के टाइम रात के टाइम आप बिल्कुल uh, अपना पैड यूज करिए बट इफ़ यू आर वेयरिंग अ अगनी इफ यू आर वेयरिंग समथिंग जिसमें पैड का इंप्रेशन दिख जाते हैं अगर आपको बीच पे जाना है आई थिंक टैम्पोन इज ग्रेट ऑप्शन आप लोग बोलते हैं ना कि टैम्पोन ने तो मेरी जिंदगी चेंज कर दी मतलब हाँ एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन पैड में यूज़ करते तो हर जगह पूरा ब्लड लग जाता है एंड आपके नीचे अगर जो प्यूबिक हेयर है उस पर भी लग जाता है एंड इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट बट ऑफकोर्स टैंपॉन यूज करने के बाद आई रियलाइज दैट रैशेज नहीं होते स्वेटिंग uh, नहीं होती कुछ नहीं होता एंड इट्स कम्प्लीटली ओके कुछ फटाफट -फ़्ट से मिथ्स को कवर करते हैं टैम्पॉन्स यूज करके आप अपनी वर्जिनिटी नहीं लूज करते टेम्पॉन यूज करोगे तो आपका टैम्पोन अंदर नहीं खो सकता अंदर गुफा नहीं है कि चीजें खो जाए इट कैन नेवर हैपन दैट इज बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल यूजिंग अ टैम्पोन इट्स नॉट दैट यू वोट फील एनी थिंग यू विल फील इंसर्टिंग एंड टेकिंग इट आउट बिकॉज आई हैड दिस प्रेशर हर जगह से फ्रेंड्स से और सब लोगों से बात करके देट uh, एक तो आई कैन नॉट हैव इंटर कोर्स बिकॉज आई कैन नॉट यूज़ अ टेम्पॉन एक तो उसकी एम्बेरसमेंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा थी दूसरा ये था एम्बेरसमेंट कि सब लोग यूज़ कर पा रहे हैं मुझे छोड़कर थर्ड ये था दैट अगर दूसरों को दर्द नहीं हो रहा तो मुझे क्यों दर्द हो रहा है दर्द से आई मीन दिस सेंसेशन सारे फैक्टर्स थे जो मेरे को मैंटली बहुत प्ले कर रहा था इन मैंटली मेड मी नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मैं यूज़ कर सकती हूँ वो टेम्पॉन आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी दिस इज़ फॉर एवरी बॉडी हु फील्स एम्पेरेज कि वो टेम्पोन नहीं यूज़ कर सकते या मे बी आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर आपको पैनिक अटैक आया है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग आई विद यू आई फेल्ट देट आई हेव बिन फीलिंग सो एम्बेरेज फॉर सो मेनी ईयर्स व दिस फीलिंग But you're not alone. If you have any queries, let me know in the comments down below. I would be more than happy to address that. And uh, if you are new to my channel, please make sure to subscribe to my channel, join the family, like this video for more such educational uh, videos where I share my personal experiences. And I'll see you guys in the next video. Bye. Mwah.